गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक बिल्कुल नई जगह पे फ़िशिंग के लिए। पिछले वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा कि हमें कोई फ़िश नहीं मिली थी, तो मेरे बड़े भाई साहब ने ये जगह सजेस्ट की है कि आप यहाँ पे भी जाके देखो। मेरे लिए ये जगह एकदम बिल्कुल नई है, मैं पहली बार इस जगह पे जा रहा हूँ। रूट भी कह रहे थे कि रूट भी बहुत बढ़िया है, आप एक बार जाके देखो, आपको पता चलेगा फ़िशेज़ भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो कोशिश करते हैं आज कुछ अच्छी फ़िश पकड़े, एक बढ़िया सा ब्लॉग बने आज का और आपको एंजॉय कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मैं वैजनाथ आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है राइड्स एंड फिशिंग एडवेंचर्स। तो दोस्तों आज हम जहाँ पे जाने वाले हैं फिशिंग के लिए, ये मेरे लिए बिल्कुल नई जगह है। हालांकि मेरे भाई साहब यहाँ पे बहुत बार जा चुके हैं, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप भी एक बार जाके देखो, यहाँ पे आपको फिश ज़रूर मिलेगी। तो उन्हीं के कहने पे आज मैं यहाँ के लिए निकला हूँ। तो ये जो बेलगाम येल्लापुर का जो स्टेट हाईवे है जो हलियाल से होके गुजरता है, इस हाईवे के राइट साइड में बोमनली डैम आता है और लेफ्ट साइड में आता है तट्टीहल्ला डैम। अब पिछली बार आपने देखा हम बोमनली डैम पे गए हुए थे, वहाँ पर हमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी, फिश नहीं मिली थी। तो सोचा कि आज क्यों ना तट्टीहल्ला डैम में ट्राई करें और देखते हैं आज हमें वहाँ पे कोई फिश मिलती है कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गो। तो दोस्तों हमें यहाँ से जाना है तट्टीगिरी विलेज, जो डैम के किनारे को, जहाँ पे नदी डैम से कनेक्ट होती है, और शायद हमें यहाँ से लेना होगा, हाँ लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में जाता है तट्टीगिरी, राइट में कोई विलेज है और ये आता है पांडरवाल, इसका कुछ गांव का नाम कुछ पांडरवाल है, ये तट्टीगिरी विलेज के पास ही आता है। तट्टीगिरी विलेज जाने के रोड में है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो दोस्तों ये हलियाल तालुका के जो गांव है ये ज़्यादातर महाराष्ट्र से प्रभावित है और यहाँ के विलेजेस में मराठी लैंग्वेज ही चलता है। जैसे कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट और ये उत्तर कन्नड़ जिला में हलियाल तालुका पूरा मराठी ही चलता है। इस वजह से यहाँ के हर विलेज में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखाई दे जाती है। दोस्तों काली नदी जो है ये गणेशगुड़ी सुपा डैम से शुरू होती है और कारवार के सदाशिवगढ़ में जाके संबंध अरेबियन सी से कनेक्ट होती है, लेकिन इसके जो ये उगम से लेके समंदर में मिलने के सफ़र में कम से करीबन 4 डैम इसको जोड़ते हैं। पहला तो सुपा डैम बनता है जहाँ से ये निकलती है, फिर दूसरा होता है बोमनली डैम, फिर उसके आगे आता है कोटसनगी डैम और उसके बाद आता है टदरा डैम। तो ये ऐसे हो के इसका पावर जनरेशन के लिए इसका पानी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये शॉर्ट रन में बहुत ही ज़्यादा प्रवाह से बहती है। उसी के साथ ये जो तट्टीहल्ला डैम जो है ये एक साइड में एक छोटी सी नदी है जिस पे तट्टीहल्ला डैम बना है, लेकिन इसका भी पानी जो है वो आगे जाके काली रिवर को ही मिलता है। तो इसको क्या करते हैं, बीच में से ही इसको थ्रू टनल एक ऊपर वाले बोमनली डैम में शिफ्ट किया जाता है, जिसका पानी वाटर सप्लाई के पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सके। और दोस्तों रोड के तो क्या कहने, वाह भाई वाह, इतने प्यारे इतने सुहाने रोड्स है कि इन पे बाइक चलाने के लिए इतना मज़ा आ रहा है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट के रोड्स है। और लगता है अभी हम, हाँ ये आ गया तट्टीगिरी विलेज, अभी यहाँ पे एक रोड है और आगे एक रोड, सीधा एक रोड दिखाई दे रहा है और एक टर्न कर रहा है लेफ्ट में, अभी देखना पड़ेगा हमें यहाँ से स्पॉट पे कहाँ जाना है ताकि हम फिशिंग के स्पॉट पे पहुँच सके। तो दोस्तों देखते हैं मैप में, चेक करते हैं कि अब हम कहाँ पे जाएं, किस रूट से हमें जाना है, मैप में मिल जाएगा, देखते हैं जो पानी के करीब रास्ता ले जाएगा हमें उसी रोड पे चलना होगा आगे। किसी से पूछना भी सही नहीं होगा। तो यस हमें मिल गया है रास्ता, तो अब हमको जाना होगा पीछे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे
हम मैं वहाँ पे विलेज में रुक के चेक करना सही नहीं बोल के थोड़ा सा आगे आ गया था, और यहाँ से हाँ ये नहीं, ये आगे वाला रोड है जहाँ से हमें अभी लेना है लेफ़्ट। एक्चुअली वहाँ से आते हुए ये राइट होता है और यहाँ से आते हुए ये लेफ़्ट होता है, तो हमें यहाँ से लेफ़्ट लेके आगे बढ़ना है। विलेज क्रॉस करने के बाद में आगे रोड जाता है गवलीवाड़ा, जहाँ पे हमें जाना है, और उस गवलीवाड़ा से ठीक थोड़ा सा पहले हमें ऑफ रोड लेना है जो जंगल में से होके अपने हमारा जो स्पॉट है फिशिंग का वहाँ पे ये जाके कनेक्ट होता है। यहीं से थोड़ा आगे जाने के बाद में हमें लेना है एक छोटा सा राइट, जो कि पूरा जंगल का रोड है, बिल्कुल ऑफ रोड है एक। और भाई अरे ये क्या पूरा घास रोड पे ही डाल दिया है। हाँ तो दोस्तों ये है ऑफ रोड जो गूगल में नहीं दिखाता है। यहाँ के जो मछुआरे हैं, फिशरमैन्स है जो जाला डाल के मछलियाँ पकड़ते हैं, और जो खेती वाले हैं उनके लिए उन्होंने ये फॉरेस्ट में आने जाने के लिए ये रास्ते बनाए हैं। ये कोई पक्की सड़क नहीं है और ये कोई मैप में भी नहीं दिखाती है। नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, इतने बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं। पानी यहाँ से और दूर है, शायद मुझे और आगे जाना होगा यहाँ से। वाव यार वाव, क्या रोड है यार, सुपर्ब यार, सुपर्ब रोड है। इतनी चारों तरफ हरियाली है, ऊपर से ओस के जैसा बादल छाए हुए हैं, और बीच में बाइक चलाने का कुछ मज़ा ही अलग है दोस्तों। क्या बताऊँ मैं आपको, इतना सुपर्ब रोड, वाव इतना बढ़िया नज़ारे है, बढ़िया। अरे भाई हॉर्स है यहाँ पे, ये देखो यार हॉर्स है यहाँ पे, हॉर्स है, वाव। काश यार हॉर्स राइडिंग भी करने मिलती तो मज़ा आ जाता, और ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, कुछ धरती पर मैं हूँ ही नहीं ऐसे महसूस हो रहा है। और इसमें बाइक मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे जाने के लिए कोई रास्ता है, देखते हैं। नहीं बॉस, मुझे यहीं पे बाइक घुमानी पड़ेगी अभी, तो घुमाते हैं। हाँ तो दोस्तों ये आ गया है हमारा लास्ट स्टॉप, यहाँ से बाइक आगे नहीं जा पाएगी तो हम बाइक को यहीं पार्क करेंगे और चलेंगे यहाँ से फिशिंग के लिए। तो पार्क करते हैं हमारी बाइक और चलते हैं आगे यहाँ से फिशिंग के लिए। फिश ऑन गाइस, फिश ऑन, फिश ऑन, फिश ऑन गाइस, फिश ऑन। हाँ, नेकेड फिश ही है यहाँ पे भी,
निकालते हैं इसको। या गाइस, दोस्तों ये वही टनल है जहाँ से तटियाला डैम से बमनाली डैम को पानी छोड़ा जाता है। जैसे अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है तो फिशेस ज़्यादा नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे भी वही हाल है, सिर्फ एक हमें मिली है स्नेकहेड फिश, उसके बाद कोई फिश अब तक हमें नहीं मिली है। लगभग 1.5 घंटा हो गया है हमें। हाँ तो दोस्तों अब निकलने का टाइम आ गया है, यहाँ से हम निकल रहे हैं रिटर्न में। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमें आज एक फिश मिली है, और बमनाली डैम से तो अच्छा ही है, कम से कम यहाँ तक आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। वैसे भी सुबह में जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख के फ़िशिंग का मूड ऐसे ही नहीं था, लेकिन क्या करें, हम हमारे इक्विपमेंट साथ में लेके घूमते हैं फ़िशिंग इक्विपमेंट्स, तो फ़िशिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि राइट हैंड फिशिंग का मतलब ही है बाइक राइडिंग एंड फ़िशिंग आल्सो। तो इक्विपमेंट्स, पूरे फ़िशिंग के इक्विपमेंट्स हमारे पास थे, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या फ़िश मिलती है क्या। और वैसे भी हमें कामयाबी तो मिल गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ मैं मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज।